हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज है 26 सितंबर 2021। बात करेंगे रेलवे से एक जुड़ा हुआ बहुत ही शानदार बेहतरीन कंपनी IRFC के ऊपर, इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो 29 सितंबर 2021 ये IRFC की एंड IRFC की शेयर होल्डर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों, एक डिलीवरी रिपोर्ट भी आपको देना है IRFC के ऊपर। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे हम ये न्यूज़ या डेटा को कवर करते हैं, उसके बाद हम IRFC के अंदर क्या आपका स्ट्रेटजी हो सकता है, लगातार गिरावट के पीछे क्या रीज़न है, ये सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये चार चीज़ों को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक एंड आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा। दोस्तों, आज 26 सितंबर 2021, बात करेंगे इंडियन रेलवेज का एक बहुत ही शानदार कंपनी, इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IRFC। इसी साल के एकदम फर्स्ट मंथ पे, जनवरी पे इसका IPO आया था, मार्केट के ऊपर लॉन्च भी हुआ था डिस्काउंटेड प्राइस में, और तब से लेकर आज तक दोस्तों इसके अंदर हमें कुछ खास चेंजेस या तेज़ी देखने को नहीं मिला, बल्कि लास्ट कुछ दिनों से इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। कुछ टाइम पहले शेयर 26 रुपये तक गया था, उसके बाद लगातार गिरते गिरते आज 23 रुपये का लेवल ब्रेक करके 22 रुपये 30 पैसे के आसपास क्लोजिंग दिया लास्ट डे यानी फ्राइडे के दिन। तो चलिए, यहाँ पे आप लोगों का बहुत ज़्यादा क्वेरीज है कि आज सर यहाँ पे सेल करके निकल जाना सही होगा या अभी भी मैं पकड़ के रखूँ। तो चलिए एक एक करके मैं आपको अपडेट दूंगा। सबसे पहले 29 सितंबर 2021 को, तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि AGM यानी एनुअल जनरल मीटिंग होता है हर एक कंपनी का, तो 29 सितंबर 2021 AGM होगा IRFC का। AGM में दोस्तों बड़े बड़े सब आउटकम यानी फ्यूचर का क्या गोल है, अगला फाइनेंशियल ईयर में कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि ये एक बेसिकली नॉन बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ कंपनीज है जो कि रेलवेज के अंदर सारे के सारे फाइनेंस डिपार्टमेंट को संभालता है। तो उसके ऊपर भी कुछ नया नया प्लानिंग बनाए यहाँ पे, मतलब आएगा बाहर आउटकम होगा तो क्या होगा वो तो हमें पता चलेगा 29 सितंबर 2021 के दिन ही। और उसके साथ साथ दोस्तों, IRCTC का भी AGM ठीक सेम टू सेम, मतलब 29 सितंबर 2021 दिन ही, ये दोनों ही बड़े बड़े कंपनी इंडियन रेलवे से जुड़ा हुआ ये दोनों ही कंपनी का AGM यानी एनुअल जनरल मीटिंग है। आप बस चैनल के साथ जुड़े रहना, जब भी मुझे कोई अपडेट मिल जाएगा उस दिन तुरंत मैं आपको वीडियो के थ्रू शेयर कर दूंगा। तो 21 सितंबर का क्या है ये तो हमने बता दिया। तो चलिए अभी हम बात करेंगे डिलीवरी रिपोर्ट। तो देखिए, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ NSE की ऑफिशियल वेबसाइट में, IRFC की यहाँ पे अंदर। तो देखिए, यहाँ पे मैं नीचे क्लिक करता हूँ, लास्ट डे यानी फ्राइडे के दिन दोस्तों ह्यूज यहाँ पे डिलीवरी देखने को मिला, और साथ साथ दोस्तों देखिए इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में भी हमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला, जो कि कुछ टाइम पहले लगभग 50 से 60 लाख के आसपास शेयर ट्रेड हो रहा था टोटल, वही देखिए लास्ट डे फ्राइडे के दिन लगभग 1.3 करोड़, मतलब 1 करोड़ क्रॉस कर गया, और जिसके अंदर हमें डिलीवरी देखने को मिला 70 लाख शेयर का क्वांटिटी, और डिलीवरेबल परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली 68% के आसपास, यानी कोई बड़े प्लेयर्स या FIIs होता है, हो सकता है या DIIs हो सकता है, बड़े इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया, तो जिसके कारण हमें इतना ज़बरदस्त डिलीवरी देखने को मिला फ्राइडे के दिन। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये दो अपडेट्स था। अभी जो इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है दोस्तों, अभी ध्यान से सुनना और ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को। सबसे पहले, ये एक PSU स्टॉक है यानी गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी है, इसके पहले भी मैं आपको बताया था वीडियो में, जिसके कारण ये थोड़ा सा स्लो चलता है। अगर हम टिकट टिप के ऊपर बात करें तो यहाँ पे आपको क्लियर कट मेंशन कर रहे कि थोड़ा सा लो रिस्क स्टॉक है, क्योंकि कंपनी कुछ खास चेंजेस देखने को मिल रहा है, और एक चीज़ पक्की है, PSU होने का ना थोड़ा सा रिस्क सच में स्लो है। और उसके साथ साथ देखिए, इंटेंसिक वैल्यू भी यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया है कि बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यू पे है, ठीक है। शेयर पी वैल्यूएशन तो आप छोड़ ही दीजिए, बहुत जल्दी ज़्यादा यहाँ पे अंडर वैल्यू पे है, 6 के आसपास इसका पी वैल्यूएशन है। PV रेशियो भी देखिए बहुत ही ज़्यादा कम है, जो कि सेक्टरल PV एंड सेक्टरल PE से बहुत ही ज़्यादा कम है। PSU स्टॉक होने के नाते दोस्तों, कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड करता है, लगभग 4.5% के ऊपर डिविडेंड यील्ड है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें फाइनेंशियल पैरामीटर्स, तो देखिए आपको हमेशा प्रॉफिट के अंदर भी एंड सेल्स के अंदर भी रैपिडली आपको ग्रोथ नज़र आएगा, कंटिन्यूअसली ग्रोथ, मतलब हर एक फाइनेंशियल ईयर पे आपको ग्रोथ नज़र आएगा। यानी इस सब के ऊपर बेस करके मैं आपको बोल सकता हूँ कि कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी मतलब लॉस मेकिंग कंपनी भी नहीं है, कंपनी में अच्छा खासा पर ग्रोथ दिखाई दे रहा है। बट ग्रोथ तो अलग बात है, शेयर का ऊपर की तरफ भागना ये अलग बात है। हम और आप जैसे रिटेल निवेशक जब इन्वेस्ट करते हैं, हम तो डायरेक्टली यहाँ पे कंपनी का जो शेयर्स है उसको ही खरीदते हैं। तो अगर शेयर्स के अंदर तेज़ी नहीं आया
तो इन्वेस्टर्स के दिमाग में सवाल तो आएगा ही, क्या इसके अंदर सेल कर देना सही रहेगा या नहीं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, ये आपको दिमाग में होना चाहिए था जब आप इन्वेस्टमेंट किया कि ये एक PSU कंपनी है, यानी गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी। हमने जनरली देखा है इसके पहले भी, जो भी PSU स्टॉक है, चाहे आप उठा लीजिए कोई भी शेयर को, चाहे कोल इंडिया को देख लीजिए, चाहे आप देख लीजिए वेल को, बेल को, या चाहे कोई भी शेयर को उठा के देख लीजिए, या अगर हम बात करें यहाँ पे रेलवे से जुड़ा हुआ RBNL को देखिए, इरकॉन को देखिए, लॉन्ग टर्म में कुछ खास चेंजेस या रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा स्लो मूव करता है बट डिविडेंड के मामले काफ़ी अच्छे। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए था उस टाइम पे। बट अगर हम बात करें अभी क्या आपका स्ट्रेटजी होगा, तो देखिए लगातार गिरते गिरते शेयर का जो RSI इंडेक्स वो लगभग 30 क्रॉस कर चुका है, 29 पॉइंट समथिंग यहाँ पे हमें दिखा रहा है, यानी शेयर अभी ओवरसोल्ड जोन पे पहुँच चुका है। ऊपर की तरह अगर हम बात करें तो देखिए पहले जहाँ पे यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा था जिसका नंबर है ₹22.50, लास्ट एक दो दिन में हमें वही सपोर्ट लेवल ब्रेक करके नीचे आता हुआ नजर आया। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा 6 महीने का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। तो ये गिरावट जब मार्केट के ऊपर लिस्ट हुआ था तब उसके बाद भी हमें देखने को मिला था, उस टाइम पे देखिए जहाँ पे सपोर्ट मिला था वो था ₹21 का लेवल। ₹21 के लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट लगा के फिर शेयर पहुँच गया था लगभग ₹26 का भी ऊपर, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया स्टॉक, क्योंकि जो IPO में इशू प्राइस रखा गया था ₹26, तो जब जब ये ₹26 लेवल क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, शेयर में लगातार हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और शेयर लगातार हमें नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आया। तो सबसे पहला इसका जो सपोर्ट लेवल है अभी आज की डेट में वह ₹22 का लेवल, क्योंकि ₹22.50 का लेवल तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, तो ₹22 का लेवल इसके लिए सपोर्ट पॉइंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ₹24 का लेवल, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था देखिए जब शेयर गिर रहा था तो ये ₹24 के लेवल पे थोड़ा सा सपोर्ट मिला था, बट उसके बाद देखिए जब शेयर गिरा ₹23 तक आया, बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था। ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस है ₹24, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वह है ₹26। ₹26 तो एकदम कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एक बार नहीं बल्कि दो दो बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया शेयर ने। तो अभी अगर हम बात करें पोजीशन बनाने का, तो ये जो चीज़ जो पॉइंट मैंने आपको बताया, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड दोनों को ही पकड़ के आपको इसके अंदर निवेश करना चाहिए। और मेरे ख्याल से आपने अगर इसके अंदर निवेश करने की सोचा है तो लॉन्ग टर्म का सोच के चलिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में दोस्तों ये कुछ भी हो सकता है, बट अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म का है तो उस केस में आपको काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म मतलब ये नहीं कि 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, इसे लॉन्ग टर्म नहीं बोलते, ठीक है। लॉन्ग टर्म मतलब मिनिमम 5 साल, ठीक है, मिनिमम 5 साल आपको होल्ड करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन होल्ड कर सकते हो, कितना पेशेंस है आपके अंदर, बट इतना मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड मिल जाएगा IRFC का शेयर अगर आप खरीदते हो। हमने देखा है PSU स्टॉक जनरली अच्छा खासा डिविडेंड भी देता है, IRFC भी अच्छा खासा डिविडेंड दिया था। तो बेसिकली ये स्ट्रेटजी होगा IRFC के अंदर। तो आपके पास अगर शेयर है चाहे कोई भी लेवल पे, चाहे ₹26, चाहे ₹25, चाहे ₹24, चाहे ₹23, कोई भी लेवल पे यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। होल्ड कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, देखना यही शेयर आपको थोड़ा धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ेगा जरूर, ठीक है। तो पेशेंस जरूर होना चाहिए आपके अंदर। तो वीडियो कहीं पे एंड अप करता हूँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।